हाय फ्रेंड्स, मेरा टेबल फैन ख़राब हो गया है, चल नहीं रहा है, ऊपर से बॉडी में करंट आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो खोल के देखते हैं क्या ख़राब हुआ है कि क्या हुआ है, खोलने से ही पता चलेगा। तो चलिए खोल के देखते हैं अंदर को कैसे है। तो देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ एक तार जल गया है, मेन पावर सप्लाई ही, और यहाँ से भी एक तार जल गया है। देखते हैं और कहाँ क्या क्या हुआ है। इसको भी खोलते हैं, अंदर को जला हुआ है, इसको भी नया बदलना पड़ेगा। देखते हैं, ये तीन वायर रहता है, बीच का जल गया है, किनारे में एक एक ठू, बीच में एक ठू वायर रहता है, तो बीच का जल गया है और इसमें स्प्रिंग भी टूट गया है बीच का। तो इसको बदलते हैं, मार्केट में यह कम प्राइस में मिल जाता है, तो इसको काट के निकाल देते हैं। देख लीजिए, यहाँ ही टूट गया है, स्प्रिंग भी उखड़ गया है, इसको बदल देंगे। ये अंदर से तीन ठू तार निकला हुआ फैन है, चार तार वाला फैन भी रहता है। तो पावर वाला एक ठू तार को कैपेसिटर में लगाएंगे और एक ठू तार को, लाल वाला तार को लाल वाला में ही लगाएंगे। खोलने का समय अच्छे से ध्यान रहे, कौन सा तार कहाँ लगा हुआ है उसी हिसाब से लगाने के समय भी वैसे ही लगाना पड़ता है। तो इसको देखते हैं कैसे लगा हुआ था, और नया वाला ये रहा, मार्केट से खरीद के लाए हैं, तो इसको भी जैसे पहले पुराना वाला लगा हुआ था वैसे ही लगाएंगे। किनारा वाला रेड तार को किनारा में ही, रेड वाला में ही, और बीच वाला तार को बीच वाला पे ही, और साइड वाला तार को साइड पे ही लगाएंगे। तो जैसे पहले था वैसे ही लगा लेते हैं इसको। ध्यान से तार को जोड़े, थोड़ा इलेक्ट्रिक का काम डेंजर भी रहता है। ये सब छोटे छोटे चीज़ें, तार जल जाना, तार टूट जाना, ये सब घर पे बना सकते हैं, तो बनाने की कोशिश करिए घर पे ही अपने से, खुद से। और सभी छिला हुआ तार को ब्लैक टेप से लटका देता हूँ, इसको घुसा के टाइट कर लेते हैं ताकि हिले ना, एक जगह रहे। एक बार देख लेना है सभी तार अपने जगह में ठीक से लगा हुआ है कि नहीं, और इसको लगा देते हैं। तो इसको टाइट कर देते हैं, तो फैन बनके तैयार है। आप भी ऐसे ही घर पे सामान ला के बना सकते हैं। एक तो जो भी छोटा मोटा तार टूटा है कि क्या हुआ है उस सबको तो बना ही सकते हैं, तो ऐसे ही घर पे आप भी बनाइए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।